डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज एक DHE की जो वेबसाइट पे मैं नोटिस अभी देख रहा था, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने साइट अभी खोली थी तो एक नोटिस आया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि आपने जैसे ही DHE की साइट खोलनी है तो आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर ही आप देख रहे हैं नोटिस आया हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो 26 वाला है, इनवाइट एप्लीकेशन इन BSc नॉन मेडिकल अगेंस्ट CS अगेंस्ट वैकेंट सीट टू रजिस्टर। तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म आया है, तो ये एक न्यू अपडेट है आपके लिए। तो जो बच्चे 26 सेक्टर के अंदर BSc नॉन मेडिकल में कुछ सीटें वैकेंट रह गई है, तो उसके लिए आप इस गूगल फॉर्म पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया तो अब आपके सामने गूगल फॉर्म ही खुल जाएगा। तो ये विलिंगनेस वाला ही फॉर्म है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं इसके बारे में, तो ये फॉर्म आपने फिलअप कर देना, ये आपके सामने खुल चुका है। ये कल मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो डाली थी, आपको इसके बारे में तो क्लियर है। अब मैं आपको मेन जो आज मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है मेरा, तो वो मैं आपको DAV की जो दिक्कत आ रही है, DAV वाली में जो एडमिशन्स की जो दिक्कत आ रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट में DAV में कैसे आपने एंटर करना है। तो DHE की वेबसाइट खोलनी है आपने, और DHE की वेबसाइट खोलने के बाद इसी से ही मोबाइल से ये प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, मैंने चेक किया है 2-3 बारी, लेकिन डेस्कटॉप पे ये हो सकता है। आप साइबर कैफ़े में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि भाई DAV की साइट सर खुल नहीं रही, DAV की साइट खुल नहीं रही, तो उनकी जो मेन साइट है वो तो वाकई में ही उसमें प्रॉब्लम है, वो तो खुल ही नहीं रही है। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं DAV कॉलेज सेक्टर 10 वाला जो को एजुकेशन वाला है, इस पर जब आप डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर का पेज खुल जाएगा, और उसके अंदर आपने सबसे टॉप पे आप देखेंगे कि नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन लिखा हुआ है। आप जब नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर नोटिस देखेंगे कि कुछ सीटें BSc फर्स्ट ईयर की नॉन मेडिकल की, कुछ सीटें BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स की, कुछ सीटें मेडिकल की, कुछ बायोटेक्नोलॉजी इलेक्टिव, और कुछ सीटें BSc कंप्यूटर साइंस की वहाँ पर शो हो रहा है, और उसके साथ ही गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है। तो बच्चे जो हमारे BSc वगैरह के रह गए हैं तो वो इस फॉर्म को भरकर अपना लाभ उठा सकते हैं। BCom की अगर बात करें, BCom के लिए काफ़ी बच्चे वरीड है, BCom की सीट्स नहीं बची है, BCom सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सीट्स बची हुई है। तो उसमें दो नंबर डिस्प्ले हैं, डॉक्टर पूर्णिमा सैगल, मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, 9815218618, एक तो ये नंबर है, और एक डॉक्टर प्रमोद भार्गव का है 9463644488, ये नंबर दोनों डिस्प्ले है। तो BCom के कुछ अगर किसी को क्वारीज करनी हो तो आप इन नंबरों पे उनसे कांटेक्ट करके जान सकते हैं। तो मैं दोबारा एक बार ये छोटी सी वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सुबह ही अभी जैसे मॉर्निंग में मैंने DHE की साइट खोली तो ये नोटिस पड़ा कि 26 सेक्टर में हमारा खालसा कॉलेज है उसके अंदर अब BSc की कुछ सीट्स दिखा रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। और जो बच्चे अब BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म अवेलेबल है। उसके बाद अभी कोई वैकेंसी लिस्ट नहीं आई है, जैसी वैकेंसी लिस्ट आएगी तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन जो DAV की जो मेन, ये जो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चे कह रहे थे कि भाई DAV की साइट नहीं खुल रही है, DAV की साइट कल तो ये उसमें ओपन हो रही थी मोबाइल पे, लेकिन आज नहीं ओपन हो रही है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो DAV के जो ये आप देख रहे स्क्रीन के ऊपर, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये DAV का एक ब्लू कलर का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने सेंट्रलाइज एडमिशन पे नहीं क्लिक करना है, आपने नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन पे क्लिक करना है। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि BSc की जो सीट वैकेंट्स हैं उसका गूगल फॉर्म उसमें अवेलेबल है। तो ये छोटी सी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। तो और बाकी जो है उसका जो साइट पे आप देखेंगे एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा, एडमिशन पोर्टल के अंदर सेकंड नंबर पे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लिक लॉगिन, 600 रुपये फीस पे करनी है, वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसमें हैं, तो वो आपने वहाँ से ध्यान से पढ़ लेनी है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो DHE की साइट से जो अब लेटेस्ट अपडेट मिली है उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।